नमस्ते। आज से हम आपके सामने एक नए प्रकार का कोर्स उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लम्बिंग। प्लम्बिंग, ये प्लम्बिंग क्या होता है, प्लम्बर्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, स्क्रीन पर आप कुछ टूल्स वगैरह देख पा रहे होंगे, नल वगैरह भी देख पा रहे होंगे, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसको एक प्लम्बर का काम क्या होता है और इसके भविष्य में क्या एज ए कैरियर इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम सर से जानकारी हासिल करेंगे। तो कृपया सर शुरुआत करें। अच्छा, मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता इसे पानी है। पानी के बिना आदमी एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए तकनीकी कार्यों में प्लम्बर का एक प्रमुख स्थान है। सभी प्रकार के आवासीय वाहनों, कारखानों में, उद्योगों में पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी को प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य एक प्लम्बर के द्वारा किया जाता है। अतः प्लम्बर में तीन प्रकार के प्रमुख कार्य होते हैं। सबसे पहला पीने की पाइपलाइन की फिटिंग करना, जिसमें कि जीआई एवं पीवीसी पाइप्स आते हैं। प्रत्येक उपभोक्ता तक स्वच्छ एवं साफ पानी पहुंचाने के लिए प्लम्बर जीआई पाइप की कटिंग, थ्रेडिंग एवं फिटिंग करता है। इसी प्रकार दूसरा कार्य गंदे पानी की निकासी, गंदे पानी को किस तरह से मेन ड्रेनेज में पहुंचाना है, उसका कार्य भी प्लम्बर के द्वारा किया जाता है। इसके लिए हमें पीवीसी पाइपों की सहायता से फिटिंग करना पड़ता है। थर्ड काम आता है उसका सैनिटरी फिटिंग्स करना। सैनिटरी फिटिंग्स में बाथटब, किचन सिंक, वॉश बेसिन, यूरिनल्स, वाटर क्लोजेट या भारतीय शौचालय, इनकी फिटिंग भी एक प्लम्बर के द्वारा की जाती है। अतः एक प्लम्बर के द्वारा उपरोक्त सभी कार्यों को करना पड़ता है। इसके बाद इन कार्यों को करने के लिए हमें कुछ सुरक्षा सावधानियों का उपयोग करना पड़ता है। सर, इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि प्लम्बर का समाज में कितना बड़ा उपयोग है, क्योंकि हमारे देश में आज भी लगभग 65% जो ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो बाहर शौच करते हैं, और ये देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए कि अगर एक प्लम्बर है तो वो कैसे शौचालय का निर्माण करेगा, शौचालय का उपयोग करेगा, तो इससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या का भी हल हो सकता है। तो सामाजिक रूप से भी प्लम्बर एक बहुत ही अहम स्थान रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्लम्बर, अगर गंदे पानी की निकासी नहीं होगी तो गंदगी से अन्य बीमारियां होगी, जैसे मलेरिया, डेंगू, हैजा। तो ये जितना भी गंदा पानी एकत्रित होता है उसकी निकासी के लिए प्लम्बर पीवीसी पाइपलाइन भी बिछाकर उसको मेन ड्रेनेज में लेकर शहर के बाहर एक जगह भेजता है। सर, ये जो एज ए कैरियर, यदि रोजगार के क्षेत्र में या स्वरोजगार के क्षेत्र में प्लम्बर की भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? एक प्लम्बर प्रत्येक घर में पानी की फिटिंग करता है। उद्योगों में, रेलवेज में, हॉस्पिटल्स में, सभी जगह पानी की सप्लाई एवं गंदे पानी की निकासी की आवश्यकता पड़ती है। अतः कोई भी ट्रेनी या प्रशिक्षणार्थी जो प्लम्बर व्यवसाय में निपुण हो जाता है तो वह बेरोजगार नहीं रह सकता, स्वतः का काम कर सकता है और देश के निर्माण में अहम योगदान दे सकता है। तो रोजगार से भी संबंधित बहुत सारी संभावनाएं हैं। जी हाँ बिल्कुल, रोजगार से भी संबंधित विभिन्न विभागों में योजनाएं हैं, वहां वो काम कर सकता है। अब हम सुरक्षा की बात करेंगे। प्लम्बर को सभी औजारों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और औजारों का उचित औजारों का ज्ञान नहीं होगा तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इसमें सबसे पहले एक प्लम्बर को कार्य का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उचित औजारों का उपयोग करना आना चाहिए, शीघ्रता से काम नहीं करना चाहिए, काम को जल्दी समाप्त करने की इच्छा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम एक उदाहरण द्वारा बता रहे हैं, जैसे कि हम एक उदाहरण द्वारा बता रहे हैं कि हमको इस नल की रिपेयरिंग करना है, तो इसमें हम स्क्रू ड्राइवर लगा रहे हैं जल्दबाजी में, देख नहीं रहे, जबकि स्क्रू ड्राइवर की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें इसमें आवश्यकता है
स्पैनर की, तो स्पैनर से ही हमको इसको खोलना है, ना कि स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना है। तो इस प्रकार से कार्य को समझ कर, संपूर्ण देख कर उचित प्रकार से करना चाहिए, यानी हड़बड़ी में काम नहीं करना। जी बिल्कुल, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जितनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से काम करना चाहिए, बहुत अधिक ताकत लगाकर काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा टूट फूट की संभावना बनी रहती है। जैसे इस प्रकार से अगर ये बोल्ट है और अगर इसको मैं इसको खोलना चाहूं जी स्पैनर से जी, और अगर ये खुल नहीं रहा है तो मेरे को ज्यादा ताकत नहीं लगा, नहीं लगा सर, नहीं तो ये टूट जाएगा जी। इसमें तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा जी, और सही नाप के औजार का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर इसको तकनीक का अगर उपयोग करें तो बकायदा इस वाइस में इसको सेट करें, ये जो वाइस दिखाई दे रही है इसमें नट को सेट कर और फिर इसको धीरे धीरे खोलने का उपयोग। बिल्कुल, तो सामर्थ्य ज्यादा यदि उपयोग करेंगे तो चोट लगने की संभावनाएं हैं। इस प्रकार से हमें सुरक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और सुरक्षा सावधानियां होती हैं कि अगर जैसे अगर आपको काम आता ही नहीं है या जानकारी कम है तो भी क्या वो काम व्यक्ति कर सकता है क्या? जिसे काम नहीं आता वो कैसे कर पाएगा? अगर उसे 5 इंच ही नहीं मालूम है तो वो 5 इंच क्या होता है उसे नहीं पता है। जैसे ये नल उठा रहे हैं, अभी नल की टोटी है, इसमें वाशर खराब हो गया है, वाशर इसको खराब दिखाना है। अब ये टोटी को आप चूड़ी वाले स्थान पे लगा रहे हैं जबकि ये लगती है यहाँ, इसमें वाशर कटा हुआ है, तो वाशर को हटाकर नया वाशर लगाना है, उसके बाद टोटी को अपने फिट करना है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपको अगर काम में कम जानकारी है तब भी आपको वो काम नहीं करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए क्या और भी कुछ ऐसा है कि अगर आपकी इच्छा नहीं है और आपको केवल पैसा कमाना है और आप काम करना चाहते हो तो क्या, अगर इच्छा नहीं है तब भी क्या हम काम कर सकते हैं? क्या जी, जब इच्छा ही नहीं होगी तो कार्य करने की शक्ति कहां से रहेगी व्यक्ति में? उसका मन नहीं लगेगा, मन लगना बहुत जरूरी है। जो भी कार्य करेंगे उसे पूर्ण लगन से करें। तो इस प्रकार से आपने दोस्तों जाना कि प्लम्बर व्यवसाय क्या है, इसका सामाजिक और एज ए कैरियर इसका क्या महत्व है, और क्या क्या बेसिक सुरक्षा सावधानियां आपको ये एक काम को करने में रखना चाहिए, उसमें आपने एक छोटा सा ये वीडियो देखा। अभी सुरक्षा सावधानियों पे और भी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तो काम बिना चोट लगे और आसानी से कर सकेंगे और सफलतापूर्वक कर सकेंगे एक प्लम्बर का काम। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और सुरक्षा सावधानियां आपके सामने आएंगी। धन्यवाद।